वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, आज हमने प्लान किया है कि हम डिफरेंट टाइप्स की मैगी ट्राई करेंगे। सो हमारे पास है टोटल 7 मैगीज। मैं आपको बताता हूँ, पहली है हमारी स्पेशल मसाला स्पाइसी यमी, जिसका प्राइसिंग हमें पड़ा है 15 रुपीज। नेक्स्ट है विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, आई गेस जैन होगी, इसका प्राइसिंग हमें पड़ा है 15 रुपीज। नेक्स्ट है टॉप रामेन करी, ये रामेन करी, इसका प्राइसिंग हमें पड़ा है 20 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है मैगी मसाला ओट्स नूडल्स, इसका प्राइसिंग हमें पड़ा है कुछ अराउंड 28 रुपीज। और सर नेक्स्ट है हमारी हांगकांग स्पाइसी गार्लिक नूडल्स, इसका प्राइसिंग हमें पड़ा है अराउंड 20 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मैगी मसाला वेज आटा नूडल्स, इसका प्राइसिंग हमें पड़ा है कुछ अराउंड 24 रुपीज। और लास्ट है हमारी नॉर्थ चीज एंड हर्ब्स इटालियन नूडल्स, इसका प्राइसिंग हमें पड़ा है अराउंड 17 रुपीज। सो अभी हम ये सब मैगी ट्राई करेंगे, आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने की ट्राई करेंगे। ये मैगी नॉर किसी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भली तारीफ करें भली बेइज्जती करें। सो लेट्स मेक ऑल दिस एंड शो यू। फाइनली 7 मैगी बना ली काफी टाइम लेने के बाद। हमने सोचा आप मेकिंग क्या ही बताएंगे, सबको बताया मैगी कैसे बनती है, सो टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं था। सो फर्स्ट मैगी हम ट्राई करने वाले हैं मसाला ओट्स नूडल्स। लेट्स स्टार्ट। हमने सबका एक एक पैकेट बनाया, हमने कुछ भी अंदर डाला नहीं है जिससे टेस्ट एनहांस हो। सो हम लोग ट्राई करेंगे ओरिजिनल रिव्यू देने का। इसमें मुझे दिख रहा है कैरेट्स दिख रहा है, कॉर्न दिख रहा है, जो मसाला के अंदर ही आया था हमने डाला था ऊपर से, आप देख सकते हैं। थोड़ी फीकी सी लग रही है कॉर्न का, जैसे मतलब वो अंदर फ्रीज का फिर भी टेस्ट सही आ रहा है। इवन कैरेट इज देयर, लाइक कैरेट के स्मॉल स्मॉल पीसेस है, लाइक जो डाइट कॉन्शियस है उसको ठीक लगेगी, बाकी नॉर्मल खाने वालों को ठीक ठाक लगे। रेटिंग वाइज देने जाओ तो 6/10। नेक्स्ट हम खा रहे हैं वेज आटा नूडल्स। ऊपर से ये देखिए, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें है मटर और उसमें थे कॉर्न, बाकी गाजर दोनों में है। हमने एक अच्छा, इसमें स्मेल ना मतलब प्योर आटा की आ रही है, लाइक बोल सकते हैं आटा यूज हुआ है। टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है दोनों का, लाइक मटर का टेस्ट बोल सकते हो डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक ठीक ठाक सी है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, एवरेज सेम 6/10। नेक्स्ट है हांगकांग स्पाइसी गार्लिक, ये थोड़ी जूसी लग रही है, लाइक ऊपर से कलर ऐसे एनहांस हो रहा है, देखिए इसमें से वो स्पाइसीज की अरोमा आ रहा है। लेट्स ट्राई। ये थोड़ी अच्छी है इन दोनों से, तो एटलीस्ट इसमें गार्लिक का टेस्ट आ रहा है, ऑनियन का टेस्ट आ रहा है, लेकिन एकदम ऐसा होता है ना चाइनीज टाइप, जैसे स्ट्रीट फूड चाइनीज होता है वैसा है, अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं 7/10। नेक्स्ट है हमारी नॉर चीज एंड हर्ब, सबसे ज्यादा इसने परेशान किया बनने के टाइम पे, बिकॉज जब हम लोगों ने डाला पानी में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स हो गए थे, मतलब पानी उनका उबल ही नहीं रहा था, सो इसने सबसे ज्यादा टाइम लिया है। टाइम कौन सा, टेस्ट वाइज पता नहीं कैसी होगी, ठीक तो है थोड़ी, लाइक चीज एंड हर्ब्स बोल सकते हैं। लेट्स सी, गरम है काफी, टेस्ट तो पूरा मतलब ऐसा बोलते हैं एकदम चीज का, एकदम ऐसा होता है ना गले में जम जाता है वो एकदम झाड़ा झाड़ा चीज, लाइक मैगी का टेस्ट कम आ रहा है, वो चीज एंड हर्ब्स का ज्यादा आ रहा है।
लाइक नॉट प्रॉपर चीज बट स्लाइट वो फील दे रहा है. सो खानी है तो ठीक है भाई, ठीक ठाक लाइक 6 और 5 on 10. नेक्स्ट है हमारी रामेन मैगी जो निसिन की है. आप देख सकते हैं इसके नूडल्स थोड़े डिफरेंट शेप में, लाइक इट्स अ स्प्रिंग टाइप है. लेट्स ट्राई दिस. इसमें कुछ अंदर का आड़ा दिख रहा है बट स्मेल एकदम ऐसा बोलते ना लाइक चाइनीज टाइप आती है ना जब वो टेस्ट स्पेगेटी वगैरह टेस्ट करते तभी वैसे टाइप की है. स्लाइड मतलब ऐसा बोलते ना नमक कम हो वैसा मतलब कुछ डालना पड़े ऊपर से. लाइक ओरिजिनली आप टेस्ट करने जाओ तो ठीक ठाक है, अगर टेस्ट अच्छा करना है तो हल्का सा नमक या ऑरिगेनो डाल के आप टेस्ट बढ़ा सकते हो. इसकी ग्रेवी में स्लाइड सा टमाटो सा फील है बाकी ठीक ठाक सी. नॉट दैट गुड, नॉट माय टेस्ट. नेक्स्ट है हमारी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक. ये आई गेस जैन मैगी होगी बट मैगी में जैन का क्या रखे फिर ऐसे क्यों बनाया मैगी वाले कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते. ये थोड़ी ऐसे टाइट हो गई है वैसे भी हम बना रहे थे टाइम तो लगता ही है. नॉर्मल मैगी जैसी है मतलब विदाउट ऑनियन गार्लिक का टेस्ट मतलब मैगी में वैसे भी ऑनियन एंड गार्लिक नहीं आता, मसाले में होगा तो पता नहीं. बाकी बेसिक मैगी है लाइक मैगी को अपने नंबर्स बढ़ाने लॉन्चेस के इसके लिए ऐड किया है कि पता नहीं. बाकी मेरे को तो नॉर्मल लगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी है कौन सी वाली नीचे स्पेशल मसाला. वैसे भी हम नॉर्मली डबल मैगी के ऊपर ऊपर से मसाला तो डालती है बट लेट्स चेक इसका टेस्ट कैसा आता है. ये जब हम स्कूल में लेके आते थे ना मम्मी टिफिन में देती थी फिर ड्रेसेस में खोलते थे एक साइड से जम जाता था एकदम वैसा लग रहा है. कलर थोड़ा है इसका डार्क है आप भी देख ही सकते हैं. नेक्स्ट टेस्ट डिफरेंस तो है बोलते ना थोड़ा ज्यादा चाट मसाला टाइप से होता है ना जब कोई चीज में ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट ऐसे थोड़ा ऐसे उभर के आता है. वैसे इसमें बोल सकते हैं लाइक मतलब लोग नॉर्मली एक मैगी बनाते हैं उसके ऊपर कैसे मैगी मसाला डालते हैं वैसे इन लोगों ने ऑलरेडी इनबिल्ड करके एक्स्ट्रा डाला होगा. से भी सही है. मेरे को इन सब में से सबसे अच्छी लगी नंबर वन पे है मेरी हांगकांग स्पाइसी गार्लिक बिकॉज दिस वॉज लिटिल लाइक स्पाइसी एंड एकदम वो चाइनीज फील दे रहा था. सेकेंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे आई कैन सी दिस ओट्स वाली दो मैं नहीं डाइट फॉलो करता स्टिल मेरे को अच्छी लगी. मेरे को ठीक ठाक में से लगी एक हो सकती है हमारी ये चीज एंड हर्ब वाली लाइक मेरे को उतना वो फील नहीं आया कि मैं मैगी खा रहा हूँ. एंड लास्ट ये बोल सकते हैं रामेन वाली बिकॉज इसमें कुछ हम लोग ने अंदर ऐड नहीं किया था बट स्टिल वो टमाटो का ग्रेवी आ रहा था ना. सो आई पर्सनली डोंट लाइक टैंगी फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो तो पता नहीं है. सो गाइस आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो. आई होप आपको पसंद आया हो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे. बने रहिए.